नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के शेयर प्राइस टारगेट 2040 तक के बारे में। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में सबसे टॉप पर आता था, लेकिन आज के समय में इस कंपनी का हाल बुरा है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस कंपनी का शेयर कितना ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण कंपनी के बिजनेस में बहुत ही बुरा असर देखने को मिला है, जिसके कारण सुजलॉन के शेयर प्राइस में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ती नजर आ रही है, उसके चलते निवेशक सुजलॉन एनर्जी के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में सुजलॉन की ग्रोथ किस तरफ जाता नजर आ सकता है, आज हम कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के साथ ही बिजनेस के भविष्य के अवसरों पर भी नजर डालेंगे, जिससे हमें अच्छी तरीके से अंदाजा मिल सके कि सुजलॉन का शेयर प्राइस टारगेट कितना ऊपर तक जाने की क्षमता रखता है। तो आइए विस्तार से एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सुजलॉन के शेयर प्राइस टारगेट 2023 के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देखें तो कंपनी लगातार हर क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को ध्यान से देखें तो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला है। दोस्तों, कंपनी अपने खर्चे को काफ़ी हद तक कम करके अपने प्रॉफिट में लगातार इजाफा करते हुए दिखाई दे रही है, जिस वजह से एनालिस्ट कम समय में कंपनी के शेयरों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दोस्तों, सुजलॉन का बिजनेस जैसे जैसे पटरी पर आता हुआ दिख रहा है, उसी के चलते हमें धीरे धीरे कंपनी को नए नए छोटे बड़े प्रोजेक्ट का काम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कंपनी को पिछले एक महीने में तकरीबन 5 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। दोस्तों, कंपनी आने वाले समय में जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट का काम पूरा करेगी, वैसे वैसे हमें कंपनी के शेयर में बढ़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी तो उसके सेल्स और प्रॉफिट में हमें बढ़ा देखने को मिलेगा, जिसका अल्टीमेटली फायदा कंपनी के शेयर पर देखने को हमें मिलेगा। दोस्तों, आने वाले क्वार्टर में कंपनी जैसे जैसे अपना रिजल्ट पेश करेगी, वैसे वैसे हमें इस कंपनी के शेयर में बढ़ा देखने को मिलेगा। और इस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस टारगेट 2023 में 15 रुपये का होगा। इसके बाद आप 17 रुपये के लिए इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सुजलॉन के शेयर प्राइस टारगेट 2024 के बारे में। दोस्तों, विंड पावर में देखें तो सुजलॉन भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक दिखाई देती है। विंड पावर सेक्टर में देखें तो सुजलॉन कंपनी 33% मार्केट शेयर अकेले ही कब्जा के बैठी हुई है। दोस्तों, कंपनी क्लीन एनर्जी की डिमांड को देखते हुए लगातार अपने पावर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रही है। अभी देखें तो कंपनी के पास 19,108 मेगावाट पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद है। आने वाले दिनों में मैनेजमेंट इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो कंपनी अपने विंड टरबाइन में नए नए इनोवेशन करके लगातार पावर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर जोरों से काम कर रहा है। दोस्तों, जैसे कंपनी अपने पावर के प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग अलग तरीके से बढ़ोतरी करता हुआ नजर आएगा, उसी अनुसार कंपनी के मार्केट शेयर में बढ़ोतरी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ने के साथ ही सुजलॉन का शेयर प्राइस टारगेट 2024 तक देखा जाए तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखते हुए इसका पहला टारगेट 20 रुपये का होगा। इसके बाद आप 22 रुपये के लिए इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सुजलॉन के शेयर प्राइस टारगेट 2025 के बारे में। दोस्तों, कंपनी अपने प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी स्पेंड करता है। दोस्तों, बता दें कि मैनेजमेंट के लंबे समय के अनुभव से कंपनी ने विंड टरबाइंस में काफ़ी बड़े इनोवेशन और डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से कंपनी अपने विंड टरबाइन में एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाने में कामयाब हुआ है। साथ ही देखा जाए तो कंपनी अपने बेहतरीन R&D की मदद से धीरे धीरे कार्बन फाइबर की नेक्स्ट जनरेशन नए नए टरबाइन मॉडल डेवलप करने पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। एक्सपर्ट की माने तो जैसे जैसे कंपनी अपने मजबूत R&D की मदद से बेहतरीन प्रोडक्शन डेवलपमेंट करते हुए नजर आएगी, वैसे वैसे कंपनी को फायदा मिलने के साथ ही बिजनेस में आने वाले सालों में एक बड़ी उछाल दिखाने की पूरी क्षमता नजर आती है। दोस्तों, कंपनी के R&D जैसे जैसे मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें कंपनी के शेयर में भी उसी अनुसार बढ़ा देखने को मिलेगा। और 2025 तक इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 25 रुपये का होगा। इसके बाद आप 28 रुपये के लिए शेयर को होल्ड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सुजलॉन के शेयर प्राइस टारगेट 2026 के बारे में। दोस्तों, कंपनी अपने ऊपर लगे कर्ज को जल्द से जल्द कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए कंपनी अभिन्न प्रोजेक्ट के काम पर ही सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिनमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो।
दोस्तों इससे कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ाने के साथ ही आने वाले दिनों में बहुत ही तेजी से अपने ऊपर लगे कर्ज को कम करता नजर आने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने कर्ज को कंट्रोल में रखने में काफी हद तक कामयाबी पाई है, जिसकी वजह से अब हर साल कंपनी को इंटरेस्ट बहुत ही कम चुकाना पड़ता है और इससे सुजलोन के बिजनेस में धीरे धीरे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले दिनों में कंपनी के ऊपर कर्ज जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा हमें कंपनी के शेयर में बढ़त देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे कंपनी के ऊपर कर्ज कम होता हुआ नजर आएगा वैसे वैसे हमें इसके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा और 2026 तक इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 35 रुपए का होगा। इसके बाद आप 38 रुपए के लिए शेयर को होल्ड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सुजलोन के शेयर प्राइस टारगेट 2030 के बारे में। दोस्तों आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का ही सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है। जैसे ही धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ज्यादातर कामकाजों में ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करेंगे वैसे वैसे इसका डिमांड भी उसके अनुसार बढ़ेगा। दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट लगातार इस सेक्टर की बढ़ते अवसरों को देखते हुए यानी कि ध्यान में रखते हुए ही उसके अनुसार अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि 2030 तक भारत के 50% लोग ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे, जिसका बहुत ही ज्यादा फायदा इस सेक्टर पर काम करने वाली बाकी कंपनियों को मिलने के साथ ही सुजलोन को भी मिलेगा। दोस्तों बता दें कि सुजलोन कंपनी इस सेगमेंट में एक मेन कंपनी के तौर पर है, इसलिए इस कंपनी को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म में बिजनेस की बढ़त को देखते हुए सुजलोन का शेयर प्राइस टारगेट 2030 तक 120 रुपए का होगा। इसके बाद आप 140 रुपए के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। चलिए बात करते हैं सुजलोन के शेयर प्राइस टारगेट 2040 के बारे में। दोस्तों लॉन्ग टर्म में देखें तो भारत सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों सरकार का पूरा टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर काफी हद तक एनर्जी के लिए रिन्यूएबल की तरफ ट्रांसफर करें और इसके लिए सरकार इस सेगमेंट में काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इसके साथ ही देखें तो गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी को बढ़ाने के लिए लगातार नई नई योजना के तहत प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से मदद प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों इस वजह से सुजलोन जैसी कंपनियां सरकार का अलग अलग योजना का बहुत ही अच्छी तरीके से फायदा उठाने के साथ ही आने वाले समय में बिजनेस की एक बड़ी ग्रोथ की उम्मीद जरूर दिखाई देती है। दोस्तों जैसे जैसे गवर्नमेंट इस सेक्टर को मदद प्रोवाइड करेगी वैसे वैसे हमें इसके शेयर में बढ़ा देखने को मिलेगा और 2040 तक इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 600 रुपए के आसपास का होगा। चलिए अब देखते हैं सुजलोन का फ्यूचर। दोस्तों कंपनी फ्यूचर के अवसरों को ध्यान में रखते हुए अभी से ही आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत सारे नए नए लोकेशन पर विंड टर्बाइन सेटअप करते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों इसका फायदा कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में मिलेगा और आने वाले समय में इसका फायदा कंपनी के शेयर पर भी हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों सरकार भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे राहत पैकेज समय समय पर अनाउंस करते रहती है, जिससे सुजलोन जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा आगे चल के। दोस्तों अगर कंपनी इस राहत पैकेज का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करती है तो हमें इसके शेयर में यानी कि सुजलोन के शेयर में आने वाले समय में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलिए अब जानते हैं आखिरकार इस कंपनी में रिस्क क्या है। दोस्तों सुजलोन कंपनी के बिजनेस में रिस्क की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क इस सेक्टर में भविष्य में बढ़ती ग्रोथ के अवसर को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां इसमें प्रवेश कर रही हैं। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो आने वाले समय में हमें इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है और अगर सुजलोन कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट नहीं कर पाती है तो ये कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। बता दें कि सुजलोन कंपनी के पास बहुत ही कम पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इससे कंपनी को एक्सपेंशन करने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। दोस्तों कंपनी बहुत बार कर्ज के कारण आर्थिक संकट में चला गया था, जिसकी वजह से कंपनी डूबने की कगार पर आ गई थी, लेकिन बैंक ने इस कंपनी को एक मौका दिया अपने बिजनेस को वापस लाइन पे लाने के लिए। दोस्तों कंपनी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है और कर्ज को चुकाने में असफल हो जाती है तो शेयर में हमें एक तरफा गिरावट देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि आखिरकार हमें शेयर में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस में भविष्य में जितना ज्यादा ग्रोथ के अवसर दिखाई देते हैं उतना ही ज्यादा इस कंपनी में रिस्क भी है, इसलिए आप इस कंपनी में ज्यादा पैसे ना लगाएं। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सलाह यही रहेगी कि आप इस कंपनी के शेयर में ज्यादा पैसे ना लगाएं, यानी कि मोटा पैसे ना लगाएं। हालांकि अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।